यहाँ पे सेल्फ रहता है ये वाला, इसमें तो जब भी इसमें सेल्फ स्टार्ट होगा तब ये साउंड आ रहा है, अभी मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, साउंड आ रहा है ना, तो मतलब सेल्फ का ही प्रॉब्लम है, ये पीनियम वगैरह सही है। तो सेल्फ को निकालते हैं पहले, सेकेंड जो इसका साउंड आ रहा था इंजिन से वो है टाइमिंग चेन का या फिर एडजस्टर का। ये देखो बाइक स्टार्ट हो गया, स्मूथ है बाइक, बाकी देखो एक साउंड आ रहा है। पहले मुझे लगा ये आपका टैपिट के साउंड है, टैपिट का मैंने परफेक्ट तरीके से एडजस्ट कर दिया, अभी टैपिट का कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे टिक टिक करके साउंड है, टक टक करके। सो टाइमिंग चेन एडजस्टर मुझे देख के लग रहा है कि उसने न्यू ही डाला है विथ पैकिंग के साथ, और उसमें प्ले तो मुझे नहीं लग रहा है, बाकी इसको बारीकी से चेक करेंगे अभी, उसके बाद टाइमिंग चेन पैड देखते हैं। जो टाइमिंग चेन एडजस्टर है वो देख के तो न्यू लग रहा है, बट इसके अंदर से एक साउंड आ रहा है, देखो जब ये मतलब इसके इसमें प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पे इस तरह का साउंड नहीं आना चाहिए, ये देखो। तो आई थिंक मुझे लग रहा है यही प्रॉब्लम है, तो इसको देखते हैं, बट साउंड इसी से ही आ रहा है। पल्सर में सेल्फ ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जो ऑयल ड्रेन है वो कर लेना है, क्योंकि इसका सेल्फ ओपन करने के लिए मुझे एक क्लच कवर ओपन करना पड़ेगा। तो ऑयल हम ड्रेन कर लें, और ये क्लच कवर का देख सकते हैं 8 नंबर का बोल्ट खोलने के बाद क्लच कवर हमारा इस तरीके से निकल जाएगा, और इसके अंदर देख सकते हैं क्लच का बियरिंग वगैरह जो भी है आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। और क्लच कवर ओपन करने के बाद आपको ये वाला सेल्फ है निकल जाएगा, और सेल्फ ओपन करने के हमको 7 नंबर का जो बोल्ट आता है वो हमको ओपन करना है, 2 रहते हैं, और इसमें मैंने निशान लगा लिया है क्योंकि सेल्फ उल्टा भी फिटिंग हो सकता है। तो अभी मूवमेंट ना थ्रू देखो, मतलब सेल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है, ये सेकेंड हैंड सेल्फ था तो इसलिए आई थिंक सफाई वगैरह हुआ नहीं था। बाकी सेल्फ कंडीशन मैं आगे दिखाऊंगा, बहुत अच्छा कंडीशन है इसका, और ये 220F का सेल्फ है, देख सकते हैं कार्बन ही कार्बन है, इसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। देख सकते हैं इसका आर्मेचर कॉयल जो है सही है, बट कार्बन आने की वजह से काला हो चुका है, ये इसका मैग्नेट बिल्कुल सही है, इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। और इसके अंदर देखो 4 कार्बन रहता है 220 के, फिर पल्सर जो ओल्ड मॉडल आता है उसमें 4 कार्बन रहता है, और इसको वाले फिटिंग करते हैं। तो क्लीन हमने कर लिया इस तरीके से, आप सफाई वगैरह हवा मार के क्लीन कर लीजिए, उसके बाद इसको चार मतलब बिठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हमने 4 जन लगा के, दो जन लगा के इसको बिठा दे, इसका जो आर्मेचर कॉयल है, उसके बाद इसको हम फिटिंग कर रहे हैं वापस, मतलब जैसे था वैसे ही हम फिटिंग करें, ग्रीसिंग वगैरह हमने कर दिया था प्रॉपर तरीके से। अभी इसके बाद मैं इसका फिटिंग करने के बाद इसका साउंड भी सुनाऊंगा आपको, बिल्कुल स्मूथ साउंड आने वाला है, और इसका सेल्फ भी बाइक को स्टार्ट भी करूँगा। तो 7 नंबर का जो 2 वोल्ट इसको टाइट कर लीजिए, उसके बाद चलिए इसका फिटिंग हो गया है ऑलमोस्ट, तो इसका साउंड सुन लेते हैं। सो इसका सेल्फ का इशू तो सॉल्व हो चुका है, अभी देखते हैं बाइक में पीनियम वगैरह मैंने लगाया था तो कोई भी साउंड आना नहीं चाहिए, वो अभी टेस्ट करेंगे, अभी सेल्फ मारेंगे बाइक को। और इसका जो पीनियम है तो पहले हम इसको लगाया था, लगाने का तरीका है, इसको आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप लगा दीजिए, ये पहले इसके अंदर ग्रुप में घुस जाएगा, इधर घुस गया, उसके बाद ये और ये प्लास्टिक का वाशर होता है, ये आप इस तरीके से लगा दीजिए, ये देखो लग गया प्रॉपर तरीके से, और ये हम इसको लगा देंगे। तो इसके अंदर एक पैकिंग आता है वो हम बाद में लगाएंगे, जस्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ओके ये फिटिंग हो गया, और एक ही 8 नंबर का बोल्ट मैं इसे टाइट कर दूँगा क्योंकि ये हो सकता है बाद में खोलना पड़े, तो जस्ट मैं टेम्पररी कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि सेल्फ वगैरह इस सेल्फ का जो इशू है इसमें इस बाइक में सॉल्व हुआ है कि नहीं। और गाइस हाँ, एक सरप्राइज आपके लिए, तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये मेरे पास अभी बैटरी नहीं है, तो हम इसमें प्लैटिना का जो बैटरी आता है 4 एम्पेयर का, इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ, कनेक्ट कर दिया मैंने, और ये वाला जो वायर देख रहे हैं ये भी रिकमेंडेड नहीं है, ये मोटा वायर मुझे नहीं मिल रहा, दैट्स द रीज़न मैं ये पतला वायर 2 कर रहा हूँ, ठीक है, आप मोटा वायर यूज़ करा तो ये वाला वायर जल सकता है। तो चलिए
ये देखो स्टार्ट हो गया गाइस, सेल्फ में एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया। फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे। ये मैंने क्लच प्रेस किया, सेल दबाते हैं, ये देखो स्टार्ट हो गया, एक्सेल में स्टार्ट हो गया। तो सेल्फ का जो इशू था वो 100% आई थिंक सॉल्व हो चुका है। बैटरी डाउन हो गाइस। एंड हाँ गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इसमें या फिर बजाज बॉक्स और या फिर प्लैटिना पे पल्सर का स्विच लगाओ। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, चलो अपने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो कर ही देते हैं अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो आज मैं नया दो स्विच, ये वाला जो हैंडल वाला स्विच आता है, ये वाला, ये तो बी सी यू मॉडल है। और इसमें एक और वीडियो बन सकता है वो कि इसमें देखो बी सी यू मॉडल यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने मतलब ये जो यू जी थ्री वाई का बी सी यू है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। मतलब बी सी यू का प्राइस लगभग 1600 रुपये से एक बार ख़राब हो जाता है। और इसमें इसमें आप डी सी नहीं कर सकते बाइक को, इसमें दो मॉडल आते हैं बी सी यू में, एक है ए सी एक है डी सी। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका स्विच इंट्रो करूंगा। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरा शॉर्ट्स चैनल टी आर डब्ल्यू शॉर्ट्स, जो कि छोटा मोटा मैं वीडियो डालता रहता हूँ 30 सेकंड का, तो सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो एज मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वही, इसमें बी सी मॉडल को हटा के हम पल्सर का जो बी एस थ्री मॉडल का स्विच आता है वो इंस्टॉल करेंगे, या फिर वही सेम स्विच हम प्लैटिना या फिर बॉक्सर या फिर स्प्लेंडर आपका जो भी मॉडल है सभी में पल्सर का स्विच कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम करेंगे। सो देखते हैं दोनों में से कोई सा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आ सकता है। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।